हे गाइस, तो 28 को मैंने एक वीडियो डाला था, गेस विच सुपर हीरो मूवी इज इट, जिसमें मैंने 9 हिंट्स दिए थे और आपको गेस करने थे कि ये किस मूवी के हिंट है। और इसमें जो पहले 23 कमेंट्स करने वाले जो कि राइट आंसर होंगे, उन्हें मैं इस वीडियो में फीचर करने वाला हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली या फिर कहें लकीली, मैंने उन 23 लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रखते रखते में मैंने जो अपना कमेंट पिन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कमेंट एडिटेड नहीं होना चाहिए और तो और एक ही कमेंट में दो मूवी के नाम नहीं होने चाहिए क्योंकि मैं उसे कंसीडर नहीं करूंगा, और उसी के अंदर और भी बहुत सारे राइट आंसर्स थे, तो उसे मैंने कल या परसों ही देखा था। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो वो 3 डेज अगो दिखा रहा था, तो जो जो कमेंट्स वहाँ पे सही हैं और वो 3 डेज अगो उस बता रहे हैं, उन्हें भी मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो लकी हैं वो लोग जो वहाँ पर डाले थे कमेंट, और बाकी जिन लोगों ने पहले डाला, दे आर द मोस्ट लकीस्ट वन। मेजोरिटी लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज को सही आंसर माना है, लेकिन सही जवाब इसका ग्रीन लैंटर्न है। और ऐसा क्यों है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने रूल्स का 3rd पॉइंट शायद इग्नोर कर दिया था, जहां पर लिखा हुआ था इन केस 2 or more सुपर हीरो फिल्म्स कंटेन्स 9 प्रोवाइडेड हिंट्स, तो वो मूवी जो पहले आई है उससे ही कंसीडर किया जाएगा। तो गाइज, शुरुआत के 5 हिंट कुछ ऐसे हैं जिस पे आप अपने परसेप्टिव से जिस मूवी को कंसीडर करें वो उसको फुलफिल करेंगे। जैसे हीरो ऑफ द मूवी इज द बेस्ट एट हिज जॉब, तो इस मूवी में ग्रीन लैंटर्न यानी कि हैल जॉर्डन पायलटिंग में बेस्ट रहता है, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी डॉक्टरी के करियर में बेस्ट रहते हैं। हीरो ऑफ द मूवी इज केयरलेस एट ड्राइविंग, जो हम दोनों की मूवी में देख सकते हैं। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को तो एक एक्सीडेंट से गुजरना पड़ा था, और एक्सीडेंट से याद आया हिंट नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है एन एक्सीडेंट चेंजेस द लाइफ ऑफ द हीरो। यहाँ पर मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि वो एक्सीडेंट हीरो के ही साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग ग्रीन लैंटर्न को कंसिडर कर रहे हैं वो लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं एक्सीडेंट एबिन सुल को बोल रहा था, और मूवी जो डॉक्टर स्ट्रेंज कंसिडर कर रहे थे वहाँ पर वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सीडेंट को ले रहे थे। चलिए, आपके अजम्पशन पर डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज को कंसिडरेशन में ले रहे हैं या फिर ग्रीन लैंटर्न को। हिंट नंबर 4, जहाँ पर आफ्टर एक्सीडेंट हीरो कम्स टू नो अबाउट अ सीक्रेट सोसाइटी, हमें बताता है कि ग्रीन लैंटर्न अपने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के बारे में जानता है, तो वहीं सॉर्सरर सुप्रीम के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज जानते हैं। इसके बाद हमें मिलता है द सीक्रेट सोसाइटी ट्रेन्स द हीरो ड्यूड इन द ग्रीन ड्रेस चोकसीम, और ये दोनों ही मूवी में होता है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पर जो मेन खेला और ट्विस्टिंग है वो यहीं पर है। हिंट नंबर 6, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द लीडर्स ऑफ़ द सीक्रेट सोसाइटी आर बाल्ड, यानी कि वो टकले हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लीडर्स, मैंने कि एक से ज़्यादा लीडर, और कमार ताज में एंशियंट वन ही वहाँ की लीडर थी, और यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न में द गार्जियंस लीडर हैं, और ये सब के सब टकले हैं। तो सारा खेला यहाँ पर ही चेंज हो जाता है, जहाँ आप कंसिडर कर रहे थे डॉक्टर स्ट्रेंज को, ये पॉइंट वहाँ पर फुलफिल नहीं करती है। एंशियंट वन टकली ज़रूर थी, लेकिन वो एक सिंगल पर्सन थी, और एक सिंगल पर्सन के लिए हम लोग लीडर यूज़ करते। प्लस बगल में जो मैंने फोटो दिया उसमें भी मैंने खोपड़ी बड़ा ही दिया, ताकि आपको ये आसानी से हिंट मिल जाए। आगे के जो पॉइंट्स हैं वो भी दोनों मूवी में फुलफिल होते हैं, जैसे द मेन विलन हैज़ अ ह्यूज फेस, और उसके बाद वो अटैक करता है अर्थ पे, जो डोरमामू प्लस पैरालैक्स दोनों ही करते हैं। हिंट नंबर 8, जहाँ पे हीरो आउटस्मार्ट कर देता है मेन विलन को। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मूवी में वो टाइम लूप में फंसाते हैं, ग्रीन लैंटर्न उसे सूरज में धकेल देता है। और जो आखिरी हिंट था वो था द गाय इन द ग्रीन ड्रेस हु चोक्ड आवर हीरो टर्न्स एविल इन द एंड क्रेडिट्स, असल में सिनिस्टर की ओर इशारा था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी वही होता है, मॉडो एविल बन जाता है। एंड इस हिंट ने भी बहुत सारे लोग जो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप कर रहे थे उन्हें विश्वास दिला दिया था कि वो सही थे, लेकिन वो यहाँ पर गलत थे, क्योंकि उन्हें शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि DC के एक मूवी में भी एंड क्रेडिट सीन था। तो गाइस, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर राइट है एंड कौन सा आंसर रॉन्ग है, और मैंने इसके आपको आइडिया भी दे दिया है कि मेन गेम कहाँ पे था, हिंट नंबर 6 और रूल नंबर 3, जो आप लोगों ने गौर नहीं फरमाया, क्योंकि ग्रीन लैंटर 2011 में आया था और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी 2016 में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी पर्सन जिनके नाम अभी आने वाले हैं, तो एज आई सेड आई विल फीचर देम, उनके नाम अभी यहाँ पे शो होंगे।
एंड बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन भी किया था कि आपका ये वीडियो मुझे लेट से नोटिफिकेशन मिला, तो मैं उनको बता दूं कि आपने मेरे सब्सक्राइब बटन को तो प्रेस किया होगा इस चैनल का, लेकिन उसे पर्सनलाइज्ड में रखा होगा, आप उसे ऑल पे कर दें तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया कि अगले बार जब मैं किसी चीज़ के ऊपर ऐसा क्विज़ कराऊँगा तो उसमें मैं टॉप 10 को दूँगा चांस, ना कि पहले 10 को, क्योंकि इससे थोड़ी पार्शलिटी हो जाती है। और मैं एक टाइम पीरियड सेट कर दूंगा कि इतने के दिन के अंदर जो लोग सही आंसर देंगे उन्हीं के नाम मैं शो करूंगा, और वो रैंडम होगा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम मे भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को लेट से नोटिफिकेशन देता हो, तो इसलिए मैं उनके साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सब मेरे लिए बराबर है। सो आई होप यू गाइज आर ओके विथ इट। और इस चीज़ के लिए मैं नीचे वोटिंग भी कराऊंगा कि आप वोट कर दीजिए कि पहले 10 को देना चाहिए या फिर रैंडम 10 जिसे मैं डिसाइड करूंगा। और मेरा डिसाइड करने का क्राइटेरिया बस इतना होगा कि आंसर राइट होना चाहिए और उसके साथ एक मैसेज होना चाहिए जो कि अच्छा हो, या फिर वो सार्काज्म भी हो सकता है जिससे लोगों के अंदर एक स्माइल आ जाए या हंसी आ जाए, या फिर एक मोटिवेशनल कोट, या फिर जो भी उनका फेवरेट लाइन है किसी भी मार्वल या डीसी मूवी से, वो भी होगा तो चलेगा। तो गाइज और एक चीज़ जानना चाहता था, क्योंकि ये स्टार्टिंग पैक था इसीलिए मैंने यहाँ पे क्विज को थोड़ा सिंपल रखा था, और ये सिंपल में भी बहुत लोगों ने इसे हल्के में ले लिया जिसकी वजह से उन लोगों ने गलत आंसर दिया, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था और कुछ नहीं, उन्हें पूरा रूल्स और फिर हिंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए था। तो गाइज कैसा था ये, आप मुझे इसके रिव्यू भी मुझे बता दीजिए कि इस तरह के मुझे और आगे करने चाहिए भी कि नहीं, इस चीज़ का भी सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करेंट लगाकर आगे बढ़ते रहें, and if possible save one।